हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रज़िया पर। आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ डबल बॉयलर में चॉकलेट को किस तरह से मेल्ट किया जाता है। ये आप देख सकते हो, इस तरह के मैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली हूँ जो मार्केट पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। इस तरह के चॉकलेट को हम ज़्यादातर चॉकलेट की गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं, केक के ऊपर एज ए डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, चॉकलेट फ्लेक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बेकरी में बहुत सारी रेसिपीज़ पे इसका यूज़ होता है, या फिर जब हम घर पर चॉकलेट बनाते हैं तो भी इसके लिए हम इसी कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ करते हैं और इसी से हम चॉकलेट को मेल्ट करके बहुत सारे गार्निशिंग और चॉकलेट्स हम तैयार करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि बिना माइक्रो ओवन के आप किस तरह से डबल बॉयलर मेथड से आप चॉकलेट को मेल्ट करोगे। तो यहाँ पे आप देखो, मैं इस तरह के कंपाउंड चॉकलेट ली हूँ। इसे बेसिकली अभी हमने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। अगर आप इस तरह के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखोगे तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। तो कंपलसरी है कि आपको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। अब एक चाकू की मदद से सिंपली आप इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लें। आप इस कंपाउंड चॉकलेट को किसी भी आपके घर के आसपास अगर बेकरी स्टोर है या बेकरी शॉप है वहाँ से भी ले सकते हो, या सुपर मार्केट या फिर मॉल वगैरह में भी इस तरह के कंपाउंड चॉकलेट मिल जाते हैं, या फिर अगर आप घर बैठे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी। आप अमेज़न वगैरह से भी परचेज कर सकते हो। ये आप देखो, इसके जितने आप महीन टुकड़े करोगे ये उतना जल्दी मेल्ट होगा, और अगर ब्लॉक्स इसके बड़े बड़े रखोगे तो थोड़ा सा ये मेल्ट होने में टाइम लगेगा। और अगर आप माइक्रोवेव में मेल्ट कर रहे हो तो आप ऐसे पूरे ब्लॉक्स भी डाल दोगे तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, लेकिन डबल बॉयलर में टाइम टेकिंग लगता है, इसलिए बिल्कुल आप छोटे छोटे इसके पीसेस करें। अब आप देखो, अब हमने चॉकलेट के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे एक पतीला ली हूँ और इसमें बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी ली हूँ। ध्यान दीजिएगा कि पानी यहाँ पे एकदम हॉट बॉइलिंग वाटर है, एकदम गर्म पानी है। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट का बाउल इस तरह से रख दूँगी और इसे 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दूँगी। बस यहाँ पे आप ध्यान ये दीजिएगा कि ये जो चॉकलेट वाला बाउल हमने यूज़ किया है, इसका जो तली है वो पानी पर टच नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमें इसे भाप से यानी कि स्टीम से हमने इसे मेल्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसका जो तली है ये पानी में टच नहीं हो रहा है, पानी काफ़ी नीचे है और पानी यहाँ पे बिल्कुल हॉट बॉइलिंग यानी कि खौलता हुआ पानी है। इसे हमने 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देना है। अब आप इसे छोड़ दीजिए, इसे बीच बीच में चलाते हुआ ऐसे ही आप मेल्ट करिए। अब हमने इसे बीच बीच में चलाते हुआ 5 से 6 मिनट छोड़ दिया था। ये आप देखो, ये तली से किस तरह से मेल्ट होने लगा है। ये आप देखिए, अब इसे आप कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहिए जब तक कि ये पूरी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये सिल्की और एकदम स्मूथ हो जाएगा ये। अब देखिए, इतना ये मिक्स हो गया है, तली इसकी थोड़ी सी गर्म है, तो ये आप नीचे वाला जो बाउल है इसे आप हटा दें। बस आप ऐसे ही आप इसे मिक्स करें। अब आप देखिए, अब हमने इसे कंटिन्यू 1 मिनट तक इस तरह से मिक्स किया है। ये आप देखिए, अब इसमें कोई गांठे नहीं है, कोई लम्स नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी ये आप देखिए बिल्कुल फ्री फ्लोइंग है। ये आप देखिए, बिना माइक्रो ओवन का हमने सिंपली एक पानी के गमले से डबल बॉयलर मेथड से हमने इस चॉकलेट को मेल्ट किया है। अब आप इस चॉकलेट को अपने मनपसंद के चॉकलेट बना सकते हो, इसमें आप चॉकलेट की गार्निशिंग बना सकते हो, आप इसमें केक पे एज ए टॉपर के तौर पे यूज़ कर सकते हो, आप जिस चीज़ में चाहो अपने पसंद के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, इससे मेरे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।